सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदरूनी मुद्दे को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम अपने दल के अंदर कर रही है और इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़े के दलदल में धंसती नजर आ रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती थी, लेकिन अब इनकी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अपने ही चीजों में उलझकर नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, अखिलेश यादव ने ऐसा खबर, इस खबर को छापा गया है हिंदुस्तान टाइम्स में। अपोजिशन टू एक्स स्वैप एट बीजेपी ओवर फाइट टू पा, गवर्नेंस हैज टेकन अ बैक सीट्स इन उत्तर प्रदेश एज भारतीय जनता पार्टी लीडर्स आर फाइटिंग फॉर पावर एंड द ओवरलुकिंग द पब्लिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। समाजवादी पार्टी एसपी चीफ अखिलेश यादव सेट ऑन द वेंसडे एमिड ग्रोइंग रंबलिंग्स इन द रूलिंग पार्टी आफ्टर इट्स पुअर शोइंग इन लोकसभा इलेक्शन। जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर अपनी तमाम बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैठे बिठाए जो मुद्दा है अखिलेश यादव को बीजेपी ने ही दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक तो आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, वो तमाम बातें सामने आई, उसके बाद जिस तरीके से आपकी अंतर्कला है उत्तर प्रदेश का से हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से किसी को उम्मीद नहीं थी, लगा था कि सब चीज़ें जो हमेशा बीजेपी में नज़र आती हैं बहुत सफल होती हैं, बहुत सटल होती हैं, कि अनुशासन जो डिसिप्लिन है वो हमेशा नज़र आता है, लेकिन खुले मंच से जिस तरीके से पार्टी के डिप्टी सीएम ने इस तरह की बातें की कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, सरकार बड़ी नहीं होती, ये जो एक लाइन थी, इस एक लाइन में तमाम चीजें सामने आ गई थी, अंतःकला खुलकर सामने आ गई थी। और अब बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी ने बैठे बिठाए कि उनको मुद्दा मिल गया। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि केशव प्रसाद मौर्य कल इसे लेकर ट्वीट भी करते हैं और फिर ये कहते हैं कि संगठन बड़ा है सरकार से। इसके बाद इस ट्वीट को वो डिलीट कर देते हैं, 5 मिनट बाद फिर से इस ट्वीट को वो दोबारा से करते हैं, जिसमें वो फिर से इस बात को दिखाते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब देखिए, कई मायने इसके निकाले जा ही रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि जिस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुई है, उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को ज़रूर मिला है। और कहीं ना कहीं सपा पर ये आरोप जो रहते थे कि सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, सपा ने खुद को ज़मीनी स्तर पर उतार कर पार्टी को मजबूत किया है और इसका खामियाजा जो है वो आने वाले वक्त में भाजपा को शायद भुगतना पड़े अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो।